आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। रेलवे स्टेशनों पर ओवर रेटिंग को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, मगर बरेली जंक्शन अब पर अभी भी पानी की बोतलों की ओवर रेटिंग देखने को मिल रही है। बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ही नहीं, पूरे भारत में रेलवे स्टेशन पर रेल नीर की कीमत 15 रुपये है, मगर यहां पर पानी की बोतल 20 रुपये की खुलेआम बेची जा रही है। हमारे रिपोर्टर ने सच्चाई जानने के लिए रेलवे स्टेशन बरेली जंक्शन जाकर ओवर रेट बेची जा रही पानी की बोतल का स्टिंग ऑपरेशन किया। इसके अलावा अनुमति ना होने के बाद भी बरेली रेलवे जंक्शन स्टेशन पर बिस्लेरी की बोतल बेची जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। ये ओवर रेट पानी की बोतल बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एएच बीलर प्राइवेट लिमिटेड व बेंडर सहकारी समिति स्टॉल पर खुलेआम बेची जा रही हैं। पानी की बोतलों के ओवर रेट के बारे में जब स्टेशन अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन बरेली जंक्शन पर जांच करने हेतु सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह पहुंचे। जब पानी की बोतल की ओवर रेटिंग का मामला उनके सामने आया तो उन्होंने तत्काल इस मामले में लताल लगाते हुए कार्रवाई करने को कहा। ये पूरे मुरादाबाद डिवीजन ही नहीं, पूरे इंडियन रेलवे में जो रेल नीर है वो 15 रुपए का ही बिकता है, तो 15 रुपए से अगर 1 रुपए भी जो ज़्यादा लेता है वो ओवर चार्जिंग करता है। ओवर चार्जिंग करने पे अलग अलग रूल हैं, फर्स्ट टाइम करता है तो कितने पैसे लगाए जाएंगे, सेकंड टाइम अगर वो नहीं मानता है तो टर्मिनेट करने का भी ऑप्शन है। तो अगर ऐसे जो भी केस आते हैं टाइम टू टाइम हम लोग पेनाल्टी उसको लगाते हैं और आपके ने अभी संज्ञान में लाए हैं 2-3 मामले, इसकी हम जाँच करेंगे और दोषी जो भी रहेगा उसके ऊपर उसी हिसाब से पेनाल्टी लगा दी जाएगी। और ये सीएमआई और सारे इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि ओवर चार्जिंग जो भी केस होते हैं उनको कड़ाई से निपटा जाए उनका और इंश्योर करें कि कोई ओवर चार्जिंग ना हो। सर रेलवे पर कौन कौन सी पानी की बोतलें बेचने का होता है? अभी जो हमारे कुछ स्टेशन हैं उसमें रेल नीर ही मैंडेटरी है। इसके अलावा हमारे डिवीजन के द्वारा डिवीजन और एक किनले वाटर को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जब क्राइसिस होती है या कोई परमिशन ऊपर से मिलती है तभी इन पानी को बेचा जा सकता है बिना परमिशन के। अगर आपकी परमिशन के बगैर यहाँ पर इस तरह की बोतलें मिल रही हो या ऑलरेडी हो तो आपकी तरफ क्या कार्रवाई? नहीं, उसको तुरंत पानी को जो होता है वो एलपीओ में जमा हो जाता है और उस जो जिस दुकानदार के पास से मिलता है उसको चार्जशीट दी, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, पेनाल्टी लगाई जा सकती है, यहाँ तक कि टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो आपने अभी बताया है कि कुछ बोतल मिली है ऐसी, इसकी हम जाँच कर रहे हैं और ऐसा कुछ होगा तो सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। वहीं उसके बाद एच बीलर के ठेकेदार संदीप सिंह ने रेलवे स्टेशन से जाते वक्त पत्रकारों को रोक लिया और कहा कि आप लोगों का नंबर मेरे पास है। बरेली रेलवे जंक्शन पर ओवर रेटेड के मामले में पत्रकारों ने स्टेशन अधीक्षक सतवीर सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में नहीं है, यहाँ पर कोई ओवर रेटिंग में पानी की बोतल नहीं बेची जाती है। वहीं सीएमआई राकेश स्टेशन अधीक्षक के दफ्तर में मौजूद थे। उन्होंने दो पत्रकारों के मोबाइल नंबरों को अपनी डायरी में नोट किया था और उसका फोटो खींचकर एच बीलर के ठेकेदार संदीप और बेंडर सहकारी समिति के ठेकेदार राजकुमार शर्मा को भेज दिया। संदीप का कहना है कि कई पत्रकार उसके यहाँ पर आते हैं, सबको समझता है इसलिए वो कुछ नहीं कहते। नहीं आता भैया, एक बार बुला तो देखो, आजमा तो देखो मैं कैसा हूँ। चलिए बात करते हैं यार। भैया हमें आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी यार, क्यों ऐसा सोच रहे हो यार? क्या मेरी बहन, मेरी बहनोई की बहन आज की पूरे रायबरेली प्रतापगढ़ सुल्तानपुर उन्नाव की पूरी चीफ एडिट हेड है। नहीं हम हमारे मैनेजर को दिए, जब तक हम मिलाते मिलाते तब तक हमें गुलौआ आ गया। ये सही कह रहे, इतनी देरी लगी। भैया नमस्कार, देखो यार भैया आए सीनियर डीएसएम से, हमारी शिकायत की जा रहे हैं, लो बात करो। कौन? अंकित है। हाँ अंकित है। हेलो
कानपुर के ये है रायबरेली उन्नाव को, मैं पड़ोसी भी हूँ बहुत पहले से भाई। अब मैं बताओ क्या करूँगा, आप ये बताओ मेरी आपसे दुश्मनी है ये बताओ मुझे। यार दुश्मनी नहीं, एक बार जैसे आपने चलो ठीक मान लिया कि बरेली आपकी, आप बरेली के हैं, आप निकले कोई गलती कोई कर रहा था, एक बार उसके ऑनर से पूछोगे आप यार क्या हो रहा तुम्हारे यहाँ, एक बार बुलवा तो लेते भैया। कि आदमी डायरेक्ट ऑपरेशन करता है, पहले दवा इलाज करता है, अब तो डायरेक्ट किडनी निकाल लिया। इतफाक था ये आ गया यार हमें, यार भैया इतफाक था, इतफाक की बात कर रहा हूं, कल मैं वहां जाने वाला था, कल मरा हुआ जा रहा हूं, नहीं कहीं जो मेरी गलती वो पता चला ये यार, कल मरा हुआ जा रहा था। हालांकि ओवर रेटिंग का मामला नया नहीं है, बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लगातार ओवर रेटिंग देखी जा सकती है और यहां के ठेकेदारों पर जुर्माना लगा दिया जाता है और इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जुर्माना जितना डाला जाता है उतना पैसा चंद घंटों में वो पैसेंजरों की जेब से ओवर रेटिंग के जरिए निकाल लेते हैं। आज़ाद नेशन न्यूज के लिए सैयद मारूफ अली की रिपोर्ट। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आज़ाद नेशन न्यूज के साथ।